हाँ सर बताइए। मैं अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का राष्ट्रीय मंत्री राजेंद्र प्रसाद ढेडियाल हूँ और मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि आज हमारे बरेली में अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा बरेली इकाई की एक बैठक हो रही है। आवश्यक हम लोग समाज में नित्य कोई ना कोई कार्य करके अपने समाज को, अपने बरेली के शहर को कुछ ना कुछ देने का काम लगातार कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं और इस वर्ष हम लोग एक नया कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारा कुमाऊं में, हमारे उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, हमारा हरेला का त्यौहार। उस हरेले के त्यौहार में हम सब लोग एक बृहद और बड़ा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आगामी 15 जुलाई को सायंकाल हम लोग कुर्मांचल नगर, जो हमारी एक बहुत बड़ी कॉलोनी हमारी पर्वतीय वासियों की, उसमें भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, उस मंदिर के प्रांगण में हम लोग सायंकालीन संध्या करेंगे। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त बहुत सारे हमारे लब्ध प्रतिष्ठित हमारे जो उत्तराखंड के महान विभूतियाँ हैं वो सब लोग उसमें उपस्थित रहेंगे और उनके साथ में हम लोग कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देना, सम्मान करना, इन तमाम कार्यक्रमों के साथ अपने हरेला त्यौहार को परंपरागत तरीके से मनाने का कार्यक्रम करेंगे। और अगले दिन 16 तारीख को हम लोग बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम करके इस शहर में हरित क्रांति में जो भी हम सब लोगों का योगदान बन सकता है वो हम उत्तराखंडवासी उसमें निश्चित तौर पर करेंगे। ऐसा ही एक संक्षिप्त से कार्यक्रम को लेकर के आज हम लोग यहाँ सब बैठे हैं। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम हमारा ये है कि आगामी 15 जुलाई को हम लोग एक हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिसको हरेला बोलते हैं, तो हरेला के उपलक्ष्य में हम लोग कुर्मांचल नगर, जो हमारी अपनी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, उसमें 15 तारीख की रात में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं।